बेक स्टेज पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैसूर पाक की रेसिपी। प्रॉपर मेजरमेंट अगर आप लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग आपका ये मैसूर पाक बनके तैयार होगा। तो 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसूर पाक बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, एक घर की एक कटोरी, कोई भी कटोरी लेके आप उससे मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ही इसमें मेन है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो एक कटोरी बेसन के साथ एक कटोरी देसी घी लेना है और 1/4 कटोरी हम लेंगे चीनी, यानी कि आप देख रहे हैं एक कटोरी भर के ऊपर ये चीनी है, यानी कि 1/4 कटोरी हमने चीनी ली है, 1/2 कटोरी पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सिरप तैयार करेंगे। तो चीनी और पानी को गैस पे रखेंगे और बेसन को हम छान लेंगे। चीनी को हमने मेल्ट होने देना है और बेसन में हम डालेंगे 1/2 घी, यानी कि 1/2 कटोरी घी हम बेसन में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे लगभग 1/2 कटोरी घी इसमें गया चला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। चीनी में भी उबाल आ गया है, 1 मिनट के लिए हम इसे और कुक कर लेंगे। बस इसमें ध्यान यही रखना है चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, तो 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। 1 मिनट उबलने के साथ ही हम अपना बेसन घी में मिला के जो रखा है वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। फ्लेम हमारी ना तो बिल्कुल कम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हीट होनी चाहिए, बस ध्यान यही रखना कि मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे। जैसे ही इसमें इस प्रकार से बबल बनने लगेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा घी जो कि हमने बचा के रखा था वो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बेसिकली बेसन को हमने घी और चाशनी में कुक करना है। तेजी से हिलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इनके से अगर लग रहा है कि चिपक रहा है तो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिएगा। मैसूर पाक में मेन ये जो जाली है यही बनती है और इसी का ही ध्यान दिया जाता है। तो अब हम इस स्टेज जाली बननी शुरू हो गई है, हम इसमें घी जो हमने बचा के रखा था सारा डाल देंगे और अब हम ये साइड्स भी छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से गर्म हो जाए और तेजी से इसके अंदर स्पून चलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके और एक जाली जो है वो पूरी तरह से बन जाए। एकदम इसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर इसके अंदर जाली बन रही है। बस इस स्टेज पे हमने गैस को बंद करना है और तुरंत ही जिस भी बर्तन में आपने इसको सेट करना है उसमें डालना है, उसे घी से हमने ग्रीस करके रखना है क्योंकि बहुत जल्दी सेट होने लगता है। अगर आपके पास स्क्वायर छोटे साइज का कंटेनर है तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसे टैप नहीं करना है ना ही हमने इसको ज़्यादा हिलाना है। बस 10 मिनट के समय देंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो 10 मिनट में पूरी तरह से जाली बन जाएगी और पूरी तरह से सेट हो जाएगा। हमने इसको कवर करके ही रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम प्लेट को हटा लेंगे।
अभी अगर आप इसको छू के देखेंगे तो काफी गर्म है, इसको गर्म रहते ही काटा जाता है। तो जिस प्रकार के भी आपको पीसीस चाहिए आप इस पे कट लगा देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दी का समय है तो 10 से 15 मिनट में इसकी जाली जो है वो सेट हो जाती है। गर्मी के समय में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, यानी कि आप आधा घंटा तक वेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि गर्म रहते ही कट करना है। जो हमने कट लगाए थे वहीं से इसके पीसीस को अलग करते जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बीच में बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है और जाली भी प्रॉपर आई है। आप देखिए कितना सॉफ्ट है, ये हाथ लगाते ही टूट रहा है, और जाली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर जाली इसके अंदर हाईलाइट हो रही है और काफ़ी सॉफ्ट है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 15 से 20 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है मैसूर पाक को घर पे बनाना। आप इस तरीके से घर पे मैसूर पाक बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा कि आपका मैसूर पाक कैसा बना। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।